अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस चीज़ पे हम रिएक्शन देने लगे हैं दोस्तों, वो यहाँ पे अलामा खादिम हुसैन साहब अबाउट करबला। और दोस्तों यहाँ पे अलामा खादिम हुसैन साहब करबला के बारे में, करबला का वाकया बयान कर रहे हैं या कोई बात है जो करबला की बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देख के पता चलेगा कौन सी बात है, किस बात के अंदर अलामा खादिम हुसैन साहब कह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी मेरी दरख्वास्त, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पसंद आने के तौर में वीडियो को लाइक कर दो। चलो जी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। करना हाँ, वो हुसैन जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया, वो हुसैन, ये है मसला, ये हुसैन है। हाँ जी, ऊ करण का की मतलब होया? इमाम अब्दुल रऊफ मनावी लिखे आल का वाकिब दुर्री, जब इमाम जैनुल आबिदीन बेड़ियां पाए हुए थे, हथकड़ियां लगी हुई, मदीना पाक पहुंचे तो एक बंदा आया, उन्हें की थी ऊ, इमाम जैनुल आबिदीन सामने जो हूं ऊ कर दे लोग। आपने इंज इशारा किया, बेड़ियां भी उतर गई, हथकड़ियां भी टुट के डह पी, आपने दोवें चुक के उत्थे सुट दित्तियां। फरमाया तू की समझना सी, तू मजबूर हो? आपने इशारा किया, दोवें टुट गई। आपने फरमाया तू की समझना मजबूर है जैनुल आबिदीन? बस एक ही गल है, कुव्वत होंदे जोर नहीं लाया बैठे मन क्यों जी। हजरत उकबा बिन नाफे साहबी अफ्रीका के जंगल में पानी मुक गया, साहबा क्या जी सारी फौज शहीद हो जानी, पानी कोई नहीं। फरमाया पानी मैं तुम्हें लैके देना। आपने दो रकत नमाज नफल पड़े, आपका घोड़ा करीब बदे हुए सी, आपने दुआ मंगी, जब दुआ मुंह हाथ फेरिया तो घोड़े ने पैर मारे, पैर चो जश्मन जा कर दिता। साहबी रसूल उकबा बिन नाफे उन्होंने उस चश्मे का नाम ही बन गया माउल फर्श, कि ओ चश्मा है जेड़े घोड़े के पैरों में निकलिया। एक मेरा आप को सवाल है, बहसीयत मुसलमान, उकबा बिन नाफे थे हजूर के कंधे से नहीं खेले? उकबा बिन नाफे के बारे से हजूर ने नहीं फरमाया उकबा मेरा थे मैं उकबा दा? हजूर ने उकबा के बारे से नहीं फरमाया कि जन्नती जवानों का सरदार है इस? हाँ जी, उकबा बिन नाफे की अम्मी जान दना फातिमा तो ज़हरा तो नहीं, उन्होंने अब्बा जान दना अली मुर्तजा तो नहीं, उन्होंने नाना है जान दना मुहम्मद मुस्तफा तो नहीं, एक कोई शान भी उकबा बिन नाफे की कोई नहीं। उन्होंने घोड़ा पैर मार के पानी कढ़े, तो हुसैन के घोड़े ने पैर मार के पानी क्यों ना कढ़िया? गल इको ही है, कुव्वत होंदया जोर नहीं लाया बैठे मन रजाई, बस इतनी बात है, इस तो ज्यादा करबला कोई नहीं। कुव्वत होंदया जोर नहीं लाया बैठे मन रजाई, दुनिया उत्तो प्यासे गए दीन दुनी दे साई, बाग जन्नत के है बार मदखे खाने आले बैत, तुमको मुजदा मार का है दुश्मनाने आले बैत। उन्हें सैयद जादियां दे ना बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, उन्हें बाजारा च ना लेंदे हो बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरों शाने आले बैत। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम ऐसी करबला नहीं बयान करते, हम करबला ऐसी बयान करते हैं बूढ़े भी जवान हो जाए। हाँ जी, हम ऐसी करबला बयान करते। पीर मेरे अली शाह साहब ने लिखा, फरमाया जदों मुख्तार सफी बाद जो गुमरान बनया, उन्हें आले बैत के नाल जिन्हें जिन्हें जुलम किया उन्होंने को इंतकाम लिया, एक यजीदी फौजी नसद्या नसद्या मुख्तार सफी के सिपाही के पिछे लगे, तो यजीदी फौजी नसद्या नसद्या इमाम जैनुल आबिदीन के घर वड़ गए। आपने फरमाया की मसला है? उन्हें कहा जी फौजी पिछे लगे तो मैंने बचाओ। आपने उन्होंने पनाह दी, रोटी दी, खाना दिता, कई दिन रखिया, जदों उदा काम उतर गया तो कहने लगा जी हुण मैनू इजाजत दे दो। फरमाया जाओ। आप दरवाजे से उन्होंने छड़न आए, क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन हसन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम जैनुल आबिदीन जदों उन्होंने दरवाजे से छड़न आए तो कहने लगा हजूर आपने मैंने पहचाने नहीं? फरमाया यार मैं पहचाने नहीं, तो पहचानने की लोड़ भी कोई नहीं, तू मेरे घर मेहमान आया, मेरे नाना जान की सुन्नत मेहमानी करनी, तो मैं तेरी मेहमानी की थी, तो बस इस तो ज्यादा गल कोई नहीं। उन्हें कहा हजूर तुम मैंने पहचाने नहीं, मैं तो करबला वाले दिन तुहाड़े मुकाबले खड़ा सी। इमाम जैनुल आबिदीन गल की फरमाई, फरमाया कमीनिया जब तू मेरे घर के दरवाजे पर आया सी मैं पहचान तेन उदू ही ले, लेकिन वो तेरा किरदार ए आले रसूल का किरदार। सुभान अल्लाह, ये आले बैत है। हाँ ये है, हम ऐसे आले बैत की ऐसे शान बयान करते हैं आले बैत। अपनी मामा बहन के ना को बाजार ले अपनी मान ना दसो, सैयद जादी जिनके घर बेजाजत जबरील आते हैं, उन्हें सैयद जादियों के ना वो बंदा लवे जिन्हें भंग पीती हो, मुंह भी ना धोता हो। सारे शहीदा ने वफा के हैं नेजों पर बुलंद,
खुदा ने और ऊंची की कदर शान अहले बैत। जख्म खाने को तो आब तेग पीने को दिया, खूब दावत की बुलाकर ऐ दुश्मनाने आले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। बोली खादिम भी तकरीर ही कर बला दी सुना सकता, पुत्र तो नहीं देंदा गलें सौदा है आले बैत का। मौलाना हसन रजा फरमाते अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। पुत्र कौन देंदा है? गल्ला सी खाली कर दिया, पुत्र दिता मुमताज कादरी दे प्यो। हां जी पुत्र उन्हें दिता है। और मैं मुमताज कादरी के वाले साहब ने क्या, उन्हें क्या रिजवी साहब जब मैं फैसला सुन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलिया तो मैं दो रकत दिमाग नफल पड़े। मैं क्या या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरे पुत्र की कुर्बानी कबूल कर ली। गल तो इंजे मुमताज कादरी का प्यो कर बला बयान करे तो मजा है। जेडे आपू भी इस्लाम वास्ते कुर्बानी देने वास्ते ना नहीं उन्होंने हाथ बढ़ता है हुसैन का जिक्र कर रवाण वास्ते हुसैन का जिक्र है। ए दसो लोगों के इमाम अली मकाम यजीद के मुकाबले आए क्यों? ए तो दसता ही कोई तुसी कभी सुने किसी को? बस इमाम चार जुमे पढ़ाने एक इमाम मुस्लिम कितों चले फिर शहीद हो गए, फिर आपके बच्चे कदों शहीद होए, इमाम अली मकाम कितों चले थे कितों शहीद हो गए, बस ए चार जुमे मुहर्रम में पढ़ाने। तो जिन्हें मुमताज कादरी ने सजाए बहुत सुनाई उन्होंने बारे गल नहीं करनी क्योंकि तो फिर हथकड़ी का मसला है तो परेशानी हो जाए। ईद कुवत अज हयात आमद बदी जिंदगी गीरत बही कानून सुबात। इकबाल कहता है हक ते बातिल की टक्कर सदा रहनी। हाँ जी हक ते बातिल की टक्कर सकर सदा रहनी और यजीद ते हुसैन दा मारका क्यामत तक रहना है। मुमताज कादरी दहशत गर्द कोई नहीं। हाँ जी मुमताज कादरी दहशत गर्द कोई नहीं। हाँ जी जे मुमताज कादरी दहशत गर्द है फिर इल्मुद्दीन भी दहशत गर्द है, गाजी इल्मुद्दीन भी फिर दहशत गर्द है। जे इल्मुद्दीन दहशत गर्द है तो उसका मुकदमा लड़न कैद आजम आया तो बुलाया इकबाल ने, फिर इकबाल भी नहीं बचा तो कैद आजम भी नहीं बचा। फिर गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा आया तो बुढ़े शाहजी पीर सैयद जमात अली शाह साहब उसके पैर चुमे। दसो जी दहशत गर्द के पैर चुमे, तो पैर चुमे तो लोगों दी चीखा निकलिया। उन्हें कहा शाह जी तुम आले रसूल हो गए तरखाण के पुत्र के पैर चुम दते, ये हाफिज भी कोई नहीं कारी वेख के भी इल्मुद्दीन कुरान नहीं सी पढ़िया हो सैयद साहब ने पैर चुमे ते लोगों क्या हुजूर क्यों चुमे पर ना मैं इस वास्ते चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत ते पैरा जो दिता। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिएक्शन है लामा खादिम हुसैन साहब का वो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी ही क्या कहते हैं छोटा सा और करबला का वाक़या जिस तरह बयान किया बहुत ही कम तादाद के अंदर और बहुत ही छोटा बयान किया। टाइटल दोस्तों तो था उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि वीडियो के अंदर उतना मवाद नहीं था, वीडियो थी भी छोटी 6 मिनट समथिंग की थी 6 मिनट की थी, लेकिन दोस्तों जो बयान था वो बड़ा रोबदार और गरजदार जो उनका बयान गुफ्तगू था वैसा ही बयान था इलामा खादिम हुसैन साहब का। दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद आया उनका बयान। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सी चीज़ इसमें अच्छी लगी है और दोस्तों कमेंट करके ये बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक और किस चीज़ पे हो। और साथ ही आप लोगों से ये भी कहना था कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।